क्वेश्चन नंबर 69, तो आपका क्वेश्चन नंबर 69 ये दिया जा रहा है CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ये दिया, अच्छा डबल बॉन्ड पर है, ठीक है, और ये CH2OH दिया जा रहा है आपको, PCC दिया जा रहा है, आपने बनाया ए ओजोन होलिशेस हुआ जिंक H2O, तो बहुत आसान है, तो सबसे बन जाएगा। पीसीसी का फंक्शन बोलो और पीसीसी के साथ अपन वो सारे याद करते हैं, क्या होता है पीसीसी का फंक्शन, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में बदलना, एल्डिहाइड में ध्यान रखना बेटा, तो ये आपका एल्डिहाइड बन गया CH3CH, क्या डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा ये, नहीं, डबल बॉन्ड को बिना अफेक्ट किए ये बदल देगा CH2CHCHO में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये CHO में, 1 2 3 4 कार्बन है, CHO मैंने ऐसा लिख दिया, ये CHO में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से इस बात को समझना, PCC विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड इसमें कन्वर्ट कर देता है, CHO में कन्वर्ट करता। अच्छा इसको अब बताओ, अगर मान लो मैं KMnO4 लेता, मैं KMnO4 डाइल्यूट वाला, तो वो क्या करता डाइल्यूट वाला KMnO4, जल्दी बताओ डाइल्यूट KMnO4 KOH, मतलब मैंने लिया कौन सा रिएजेंट है ये, जल्दी बताओ, KMnO4 प्लस डाइल्यूट KOH, बेयर्स रिएजेंट है बेटा, अब बताओ इसका रिएक्शन, इसका प्रोडक्ट एसिड में कन्वर्ट, डाइल्यूट KMnO4 KOH बेयर्स रिएजेंट, डाइल्यूट और गोल्ड में याद करना, हाँ अब सही बोला, बिल्कुल भी जब भी आप बोलो ध्यान से सुन लो, आधा सेकंड एक सेकंड सोच लो फिर बोलो, जीवन में हमेशा सोच कर ही बोलना, बिना सोचे कभी नहीं बोलना है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है आपके मुंह से अगर निकल गया और सामने वाले ने सुन लिया, ठीक है, बिना सोचे तो आप फेल हो सकते हैं पास भी हो सकते हैं, दोनों है, लेकिन सोच के बोलोगे तो फेल होने की उम्मीद नहीं रहेगी। डबल बॉन्ड पर क्या करेंगे शिन एडिशन, बेटा इसका कौन सा एडिशन होता है भूले तो नहीं हो, शिन एडिशन, पहली चीज याद दिला रहा हूं, KMnO4 KOH शिन एडिशन करता है, और ब्रोमीन CCl4 कैसा करता है, एंटी एडिशन करता है, दो तो हमेशा याद रखना है तुमको, तो KMnO4 शिन एडिशन करेगा, ठीक है, और अब अभी हमको ये याद दिला रहा हूं, फिर मैं अगली बात में भी समझा दूंगा, यहां पर आपका अभी शिन से मतलब नहीं, मैंने बोल दिया, सिर्फ आपका ये बन जाएगा CH3CH CH, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिलेशन, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, क्योंकि तो यहाँ पर आपका सिस ट्रांस कुछ भी नहीं दिया है, और आगे बताओ इसका क्या करेगा, ये वाले इसका क्या करेगा, जल्दी बताओ इसका क्या करेगा, अरे ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि डाइल्यूट है, अगर ये OH बन रहे हैं ना बेटा, यदि ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे हैं तो ये भी क्यों होगा ऑक्सीडाइज। अच्छा अगर मान लीजिए मैंने आपको KMnO4 प्लस KOH ऐसा लिख दिया, ये लिखे तब बात होती है, ये और हीट लिख दिया, हॉट KMnO4 है बेटा, हॉट KMnO4, बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए इस पर हॉट KMnO4 का, तो बच्चों ये टूट जाएगा यहाँ से, हॉट डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है, और इस पर एच और इस पर एच है, क्या बनेगा प्रोडक्ट जल्दी बताओ, CH3COOH बेटा, COOH में कन्वर्ट होता है, ये कार्बन जिस पर एच है डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो COOH में, ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए ये कन्वर्ट हो गया COOH में, और ये 1 डिग्री अल्कोहल को KMnO4 एल्डिहाइड में, पर एल्डिहाइड स्टेट पर रुकता नहीं है, सीधा एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, माने आपका ये प्रोडक्ट बनेगा CHOOH, इसे क्या बोलोगे,
आक्जेलिक एसिड, ये आपका आक्जेलिक एसिड बन गया और ये आपका एसिटिक एसिड बन गया, तो ये आपका डबल बॉन्ड का क्लीवेज भी हुआ और 1 डिग्री अल्कोहल का एसिड में ऑक्सीडेशन भी हुआ, तो ये काम करेगा बेटा, समझ आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने सारे लिख दिए, ये आपका ये ए है आपका ये वाला, फिर मैंने दूसरा रिएक्शन आपको दे दिया, फिर तीसरा रिएक्शन आपको दे दिया और दे देता हूं। देखो बहुत सारे रिएक्शनों की कमी थोड़ी है, अगर आपको यहां पर LiLH4 दे देता, अब बताओ क्या करता LiLH4, ईथर में और पानी डाल दिया, अब बताओ जल्दी इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है जल्दी बताओ, है कोई रिएक्शन नहीं, यही का यही, क्योंकि डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता और फाइनली एल्कोहल में ही तो कन्वर्ट करता है और ये तो ऑलरेडी एल्कोहल है, तो इस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा रहेगा LiLH4 से। अगर आपने इस पर कोई और डाल दिया होता जो डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने वाला जैसे निकिल हाइड्रोजन, पैलेडियम हाइड्रोजन, तो वो काम कर सकते हैं, और एल्कोहल को रिड्यूस करना HI रेड पी अगर आप ले लेंगे तो OHCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इस पर उसका क्या इफेक्ट होगा HI रेड पी का, ये मुझे मतलब अननोन है अभी मेरे माइंड में, कि वैसे डबल बॉन्ड पर इफेक्ट होता नहीं है उसका HI रेड पी का, तो ये तब छोटी सी बातें हुई। और अब बताओ यदि इस पर आपको अगला बी पूछा, इस पर आपसे पूछा है बी, इस पर ए पर, और आपके सामने अब ये है इनफेक्ट, तो रिएक्शन ओजोन की होगी नहीं, बताओ इसमें यहाँ ओजोनोलिसिस हुआ क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ ओ कर दो बस, ये ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट दे रहा हूं, बस ओ करना है बेटा, तो इधर CH3CHO, इधर CHOCHO, इधर ग्लाई ऑक्सल बन गया और इधर CH3CHO बन जाएगा और ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इनको ध्यान रखना है PCC। अच्छा एक और बताओ, अगर MnO2 दिया होता, MnO2 तो ये वही काम करता, बिल्कुल सेम यही काम होता आपका, MnO2 में यही काम होता, MnO2 स्पेसिफिकली एलाइल एल्कोहल के लिए यूज किया जाता है, ये एलाइल एल्कोहल है, देखो डबल बॉन्ड CH2OH, तो ये एलाइल एल्कोहल का ही काम है, तो ध्यान रखना एलाइल एल्कोहल भी वही काम करेगा जो पीसीसी करता है, बट एलाइल एल्कोहल इज फिक्स्ड फॉर द MnO2 इज फिक्स्ड फॉर द एलाइल एल्कोहल, MnO2 इज फिक्स्ड फॉर द एलाइल एल्कोहल, मैंने थोड़ा सा MnO2 बोलना था एलाइल एल्कोहल बोल दिया, तो एलाइल एल्कोहल पर MnO2 अगर वर्क करेगा तो वह एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए याद हो गए सारे आपको, ये याद हो गए सारे आपको, देखो जल्दी जल्दी में कभी मेरे मुंह से जो है ना कोई रिएजेंट गलत निकल जाए या आंसर, तो आप मुझे तुरंत बता भी देना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यार क्या होता है, हो जाता है कभी कभी ऐसा, पर ऐसे उम्मीद बहुत कम रहती है। चलिए अगला, तो यहां पर इतने सारे रिएजेंट की मैंने सीरीज दी, ध्यान रखिएगा है ना बेटा सब लोग अच्छे से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल पर, क्वेश्चन नंबर 70 है, फिनॉल दिया जा रहा है आपको और फिनॉल पर डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन, केवल डाइल्यूट HNO3 दिया है, फिर कंसंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन, कंसंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन, फिर Br2 बट CH2 में रिएक्शन, फिर Br2 इन H2O में रिएक्शन, तो ये चार प्रोडक्ट आपको बताने हैं फटाफट, ABCD बताइए। डाइल्यूट HNO3 में फिनॉल का डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस कैसा होता है, आर्थो पैरा और एक्टिवेटिंग, बेटा है ना ये दोनों बातें, आर्थो पैरा एंड एक्टिवेटिंग, तो यहाँ पर आर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों का मिक्सचर मिलेगा, डायल्यूट में भी मिलेगा, क्यों, स्ट्रांग एक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग स्ट्रांग, तो यहाँ पर आपको दोनों मिलेंगे, फिर कंसंट्रेटेड HNO3 ले लोगे, अगर H2SO4 के साथ भी ले लिया और कंसंट्रेटेड HNO3 लिया तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर NO2 यहाँ पर NO2 तीनों जगह NO2 आ जाएगा और ये आपका पिक्रिक एसिड आपका तैयार हो जाएगा, CH2 सॉल्वेंट है, ये CH2 सॉल्वेंट है, ठीक है, ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, तो इसमें ब्रोमीन CH2
के प्रेजेंस में क्या रिएक्शन करेगा बताओ, केवल आर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट आर्थो ब्रोमो फिनॉल पैरा ब्रोमो फिनॉल मिलेगा, और अगर पोलर सॉल्वेंट हो जिसकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा हो वाटर जैसे सॉल्वेंट में ब्रोमिनेशन करके क्या मिलेगा बताइए जल्दी। 2, 4, 3 तीनों जगह आर्थो पैरा तीनों जगह जैसे ये काम हुआ वैसे ये काम हुआ, और बहुत इंपॉर्टेंट इसका कैसा प्रेसिपिटेट आता है भैयो बताओ जल्दी, व्हाइट प्रेसिपिटेट, दिस इज द टेस्ट ऑफ फिनॉल 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। अगर आप यहाँ पे NH2 ले लेंगे एनिलीन तो उसका भी सेम 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये एक ना एक इसमें से जरूर आएगा, ये दो और ये दो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में फिनॉल का रिएक्शन आप कर रहे हैं, एने डाल दिया आपने या आप NaH ले सकते हैं, आप NaNH2 ले सकते हैं, आप NaHCO3 ले सकते हैं कि नहीं, ये कोई काम नहीं करेगा। याद है फिनॉल पर NaHCO3 कोई काम नहीं करता, NaHCO3 सो इसमें घुलता नहीं है। ये देखिए ये घोल लेगा क्या बन गया, C6H5O नेगेटिव चार्ज Na ये घुल गया, ये देखो शॉर्ट बन गया, ये आयनाइज हो जाएगा। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि इसमें कौन डिसॉल्व होता है, तो दिमाग लगाइए कि शॉर्ट बन जाना चाहिए, NaH में भी यही बन जाएगा, क्या निकल जाएगी H2, इसमें भी H2, इसमें बेटा अमोनिया निकल जाएगी, इसमें अमोनिया निकल जाएगी और फिनॉल इसके साथ तो रिएक्शन करता नहीं है। याद है तुमको, बताओ किसके साथ रिएक्शन करता है NaHCO3, NaHCO3 के रिएक्शन याद दिला रहा हूँ, बताइए आर्थो नाइट्रोफिनॉल के साथ करता है क्या, जल्दी बताइए क्या NaHCO3 आर्थो नाइट्रोफिनॉल के साथ रिएक्ट करता है, नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि H उसका हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है आर्थो नाइट्रो में, मेटा के साथ करता है नहीं करता, क्यों नहीं करता क्योंकि मेटा उतना एसिडिक क्रिएट नहीं करता, रेजोनेंस नहीं होता। पैरा के साथ करता है, हाँ करता है, और फिर 2, 4, 6 नाइट्रोफिनॉल के साथ तो करते ही करता है, वो तो बहुत स्ट्रांग एसिड है भाई, उसका नाम तो पिक्रिक एसिड है, वो तो ऐसा एसिड है जिसमें OCOOH ग्रुप नहीं लगा, इसके बाद भी उसके नाम में एसिड है, IIT में भी आया है कि कौन सा ऐसा एसिड है जिसमें COOH नहीं होते हुए भी एसिड है, पिक्रिक एसिड ही है दुनिया में ऐसा, ठीक है, दुनिया में ऐसा पिक्रिक एसिड है। तो बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, और अब आपका बन गया ये, और इसके आगे फिर रिएक्शन क्या दिया हुआ, CH3Cl का रिएक्शन दिया है, ये हटा देता हूं हमने, ये हटा देता हूं, CH3Cl का रिएक्शन दिया है, बताइए CH3Cl क्या रिएक्शन करेगा, इसका प्रोडक्ट बन गया आपका, सबसे पहले प्रोडक्ट बना, ये ए आपका बना था, ये बी बन रहा है, ये बी आपका, बी क्या बनेगा बताइए, और फिर HI के साथ भी रिएक्शन आगे कर रहा है ये, तो C+D 4 बन रहे हैं प्रोडक्ट, C+D, आप सोच के बताइए कौन सा रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन नजर आ रहा है भाई साहब, देखें जरा अटैक, और ये निकल गया SN2 अटैक, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है ये, विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपका यह तैयार हो गया, C6H5OCH3, क्या नाम है इसका, नाम पूछा गया है इसमें आपका नीट में, नाम पूछा गया इसका मिथाइल फिनाइल ईथर पर इससे क्या काम चल जाएगा, मिथाइल फिनाइल ईथर एनिशोल, क्या नाम है एनिशोल, नाम याद रखना बेटा एनिशोल, और इसका HI के साथ जब क्लीवेज करोगे तो क्या इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, जल्दी बताइए, नहीं होगा, इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेटेड है, तो ये बॉन्ड तो ब्रेक होने से रहा, तो यहीं से ब्रेकिंग होगी, ये ब्रेकिंग होगी, और ये ब्रेकिंग होगी तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इस पर ये OH आ जाएगा, आई आ जाएगा, ये आपका CH3I और ये बन जाएगा, समझ गए, और सारे फिनॉल के जितने भी EAS रिएक्शन है OCH3 के रिएक्शन सेम होते हैं, क्योंकि दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और सेम रिएक्शन देंगे,
तो ये बात ध्यान रखना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, एने अच्छा बहुत अच्छे से कॉपी को पढ़ना, टेस्ट जितने भी है ना ये बड़े ध्यान से सुनना है समझना है, ठीक है, नहीं तो आप टेस्ट में कभी गड़बड़ कर दो तो बहुत गुस्सा आएगी फिर तो, क्योंकि टेस्ट जो होते हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, टेस्ट के ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, और NaHCO3 टेस्ट तो बिल्कुल पेटेंट है बच्चों, पेटेंट है NaHCO3 टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 72, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन, फिर सी ट्रिपल बॉन्ड एन दिया जा रहा है, सपोज ये दिया जा रहा है, ठीक है, और इस पर डाइवल एच का रिएक्शन किया जा रहा है, सबको याद है डाइवल एच क्या होता है, कुछ लोग डाइवल एच बोल देते हैं, कुछ लोग डिवाल एच बोल देते हैं, बताओ डाइवल एच क्या काम करता है, और वाटर डाल दिया, ये वाटर का भी काम पूछूंगा मैं आपसे, डाइवल एच अपन लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, आपको मैं याद करा रहा हूं, मुझे आप, ठीक है, तो बताइए डाइवल एच का फंक्शन कौन बताएगा, डाइवल एच का फंक्शन एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत बढ़िया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता, और दो बातें लिखाएंगे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड बनता और क्या बेटा, डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है, डिबाल एच डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत हिस्टोरिकली हिंडर्ड होता है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड पर इफेक्ट नहीं करता, ये ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ, ये देखिए ये पड़ा हुआ इसको CHO में बदल देता है, याद तरीका, ये एच यहाँ पर आके लगता है फिर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, पानी डला हुआ है, ठीक है, मैंने पूरा मैकेनिज्म भी समझाया है कैसे होता है पूरा, तो आपको CN को किसमें बदलता है बच्चों, CN को किसमें बदलता है CHO में, और डबल बॉन्ड पर इफेक्ट नहीं डालता, ये दो बातें इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या और किसी को भी बदलता है CHO में, ये और कोई दूसरा है CN के अलावा, बताओ जल्दी CN के अलावा और क्या है, अरे यार बोल रहे हो क्या, जो मैं आदित्य CN के अलावा बेटा C2H5 जो होता है इसको, इस वाले कार्बन को भी CHO में बदल देता है, यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये इधर अल्कोहल निकल जाएगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा, ये CHO बन जाएगा, तो और डबल बॉन्ड पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझ आ गया सब लोग को, समझ आ गया सब लोग को, तो भैया ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, डबल बॉन्ड पर इफेक्ट नहीं डालना, CN को CHO में बदलना, COC2H5 को CHO में बदलना, यहां से ब्रेकिंग हो जाएगी, ये ब्रेकिंग ऑक्सीजन इस तरफ, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा 72 रिएक्शन का, ये डाइवल एच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी 2-3 साल से नहीं पूछा गया है, 2-3 साल पहले इसका क्वेश्चन आया है और 2-3 साल से नहीं पूछा है, फिर से आ सकता है आपको ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में CH3 CH2 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 OH, चलिए यहां पड़ा हुआ है CRO3 और H2SO4, CRO3 H2SO4 के साथ है प्रोडक्ट बना, ए PCl5 के साथ प्रोडक्ट बना, बी SOCl2 भी यूज कर सकते हैं, NaN3 सोडियम एजाइड और हीट किया प्रोडक्ट बना सी, और इसको HIN H2O डाल दिया प्रोडक्ट बना डी, और बहुत सिंपल है, सोचो CRO3 के साथ रिएक्शन, CRO3 दो लिखा है, कौन कौन बताएगा CRO3, एक CRO3 एनहाइड्रस है, एक CRO3 एनहाइड्रस है और दूसरा CRO3 H2SO4 के साथ है, CRO3 एनहाइड्रस क्या फंक्शन करता है कोई बताएगा मुझे, और CRO3 एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है,
और CrO3H2SO4 ये स्ट्रांग रिएजेंट है, ये स्ट्रांग रिएजेंट है, कैसा रिएजेंट है, वेरी स्ट्रांग रिएजेंट है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जस्ट लाइक कैमेनोफोर KOH, जो कैमेनोफोर KOH काम करेगा वही काम ये करेगा, कैमेनोफोर KOH जो काम करेगा वही काम ये करेगा एंड हीट के साथ। तो बच्चों किसमें कन्वर्ट होगा ये, एक दो तीन ब्यूटेनोइक एसिड में, ए आपका बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, सी डबल ओ एच में कन्वर्ट होगा, और सी डबल ओ एच ये देखिए ऐसा CH3CH2CH2COOH ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो CrO3H2SO4 इज अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय CrO3 एनहाइड्रस का मतलब आप एसीटोन ले सकते हैं, ठीक है, कोई एनहाइड्रस, पानी नहीं डालना है, CrO3 वाटर लिख देते तो भी यही काम होता, CrO3H2SO4 लिख दिया तो भी यही काम हुआ, तो एक्वस नहीं लेना है, CrO3 एनहाइड्रस लोगे तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये H2SO4 के साथ है, PCl5 डाल दिया, ये OH आपका हट गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ये आपका NaN3 डाला, ये कौन सा रिएक्शन है बताइए जल्दी, NaN3 हटाएं H2O, एजाइड कैरेटर सोसाइटी, कार्टियस एजाइड, कार्टियस एजाइड रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, ये आपका जो B बन रहा है ये CH3CH2CH2COCl बन गया, और CH3COCl पर कौन सी रिएक्शन होगी, कर्टियस एजाइड रिएक्शन, कर्टियस एजाइड, बहुत ध्यान रखना, कर्टियस एजाइड का फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये एक कार्बन कम वाला 1 डिग्री, अमीन, ये जब हाइड्रोलिसिस वगैरह हो जाएगा फाइनल तब ये आपका बन जाएगा CH3CH2CH2NH2 बनेगा, ये कर्टियस एजाइड है NaN3 के साथ, हाँ HN3 ले लेते, ध्यान से सुनिएगा, इसी पर ये आपका B बन रहा है, इसी B पर अगर आप HN3H2SO4 के साथ हीट देकर के रिएक्शन करते तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता शिमिट रिएक्शन, शिमिट रिएक्शन, इसका नाम है कर्टियस एजाइड रिएक्शन, और इसका प्रोडक्ट भी ये ही बनता 1 डिग्री, अमीन, ये, और अगर मान लीजिए आप इस बी को, यदि बी को अमोनिया के साथ ट्रीट कर देते, यदि बी को अमोनिया के साथ ट्रीट करके अमोनिया के साथ ट्रीट कर देते तो एमाइड बनता, कितने कार्बन वाला, 1 2 3 4 कार्बन वाला एमाइड बनता, और इस पर यदि आप क्या कर देते, Br2NaOH कर देते, कौन बताएगा ये कौन सी रिएक्शन है, Br2NaOH, जल्दी, हॉफमैन ब्रोमामाइड, तो भी यही बनता, तो तीन, देयर आर थ्री रिएक्शंस, कर्टियस एजाइड शिमिट रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमामाइड, इसका नाम हो गया हॉफमैन ब्रोमामाइड, इन तीनों रिएक्शन का प्रोडक्ट 1 डिग्री एमीन बनता है, शेम बन रहा है, देखिए 1 डिग्री एमीन बनता है जिसमें एक कार्बन एटम कम होता है, तो 1 डिग्री अमीन विथ 1 कार्बन एटम लेस, 1 डिग्री अमीन विथ 1 कार्बन एटम लेस, ये तीन रिएक्शन का प्रोडक्ट है, और तीनों रिएक्शन में CH3NCO इंटरमीडिएट बनता ही है, CH3NCO रिएक्शन का इंटरमीडिएट एक बनता है, और एक्टिव इंटरमीडिएट ये कंपाउंड है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कंपाउंड, और रिएक्शन रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो बनता है वो एथाइल नाइट्रीन बनती है, वो हाईली अनस्टेबल है, तो आप पढ़ लीजिएगा कि कंपाउंड पूछा है कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट पूछा है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट एथाइल नाइट्रीन है और इंटरमीडिएट कंपाउंड CH3NCO वगैरह है, वो मैंने सब लिखा है, आप उनको एक बार जरूर रिवाइज करें। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की इंटरमीडिएट हमेशा पूछे जाते हैं, फिर से बोल रहा हूं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट एसाइल नाइट्रीन है, इट इज नॉट इंटरमीडिएट कंपाउंड, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड और रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन है 75 CH3 CH2 COOH इस पर Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस रेड भी है ये ना ए प्रोडक्ट बनता है। कभी कभी इनसे भी समझ लेना चाहिए कि ये जो B दिया है C2H5OK एंड हीट से B बनता है। बताइए A और B क्या होने चाहिए। पहली रिएक्शन बताइए Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ P, नाम बताइए क्लोरीन का फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन क्या प्रोडक्ट देता है। क्लोरीन का फास्फोरस के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन का नाम याद आ रहा है बेटा? एनीवन? अरे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार, हेल बोलार्ड जेलिंस की रिएक्शन। हेल नाम बोलो, हेल बोलार्ड जेलिंस की रिएक्शन HBZ रिएक्शन। HBZ टेस्ट भी है, HBZ टेस्ट, HBZ रिएक्शन भूले तो नहीं हो। HBZ क्या होता है याद आ रहा है आप? HBZ टेस्ट याद आ रहा है किसी को? अल्फा कार्बन पर Cl लगेगा। बहुत बढ़िया, अल्फा कार्बन पर यदि हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पर यदि हाइड्रोजन है तो वो रिएक्शन कर जाते हैं और आपका प्रोडक्ट बनता है CH3CHCl, ठीक है, और COOH। यह प्रोडक्ट आपका बन जाएगा अल्फा। इसमें अब इसके बेस पर भी हमको सोचना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक है तो एक हो जाएगा, अगर दो है तो दो हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने इसको इस तरह से लिखा है तो ये वन इक्विवेलेंट दिया है, वन इक्विवेलेंट, तो एक से रिएक्शन हो गया और कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है तो फिर दो से भी हो सकता है रिएक्शन। आपके दोनों प्रोडक्ट पर आप ऑप्शन समझिए, ऑप्शन कैसे दिए हैं और फिर बुद्धिमानी से काम कीजिए, ठीक है। तो यहां पर अगर वन इक्विवेलेंट दिया है, वन मोल दिया है, तो यहाँ पे एक HCl लग जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे C2H5OK और हीट दिया है तो ये बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, एंटी एलिमिनेशन हो जाता है और ये आपका प्रोडक्ट भी बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH। ये आपका कहलाता है कौन सा एसिड? CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH, एक्रिलिक एसिड बन जाएगा ये, एक्रिलिक एसिड का नाम याद रखना है, एक्राइल। सबको याद है CH2 डबल बॉन्ड CHC को हम एक्राइल ग्रुप को कहते हैं। अगर यहाँ CHO हो तो एक्रिल डिहाइड, अगर यहाँ COOH हो तो एक्राइलिक एसिड, नाम याद रखना, ठीक है। सपोज अगर मान लीजिए मैं इसमें फिर से ब्रोमीन और CCl4 डाल देता हूं। ब्रोमीन CCl4 में क्या रिएक्शन होना चाहिए इसका? ब्रोमीन CCl4 में क्या रिएक्शन होना चाहिए इसका? या Cl2, इसे यहां पे लिखा है Cl2P, मैं यहां पे Cl2CCl4 ले लूं, Cl2CCl4 ले लूं तो क्या रिएक्शन होना चाहिए? तो केवल डबल बॉन्ड पर एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, डबल बॉन्ड पर एडिशन हो जाएगा। CH2 यहाँ पे Br आ जाएगा, CH यहाँ पे Br आ जाएगा, ये COOH हो जाएगा। समझिए, समझ आ गया आपको? अगर मैं इसमें आगे जिंक डाल दूं तो बताइए क्या रिएक्शन होगा जिंक डालने पर? क्या करेगा ये? ZnBr2 यहाँ से फिर निकल जाएगा, ZnBr2 निकल गया और ये एज इट इज रहेगा। जिंक, केवल जिंक डाला है आपने, जिंक के साथ कुछ और नहीं है, तो ZnBr2 निकल जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। अगर ये जिंक ट्वाइस जिंक में भी बदल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना, फिर से आप उसको हाइड्रोलाइज करिए, फिर से COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखिए। तो Cl2P यहाँ पर कौन सा रिएक्शन करता है? फास्फोरस के साथ क्लोरीन, हेल वोलार्ड जेलिंस की रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलिंस की रिएक्शन करता है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सिंपल है। याद हो गया सबको कि नहीं हुआ? बताइए, याद हो गया आप लोग को कि नहीं हुआ? यस सर। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है 76
बेंजोइक एसिड को आप ट्रीट कर रहे हैं अमोनिया के साथ, तो प्रोडक्ट बनता है ए। हीट कर रहे हैं आप तो प्रोडक्ट बनता है बी। कभी कभी NH3 और हीट एक साथ भी लिख दिया जाता है ना, प्रोडक्ट बन रहा है बी। P2O5 के साथ आप हीट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बनता है सी। SnCl2 के साथ HCl के प्रेजेंस में आप रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बनता है डी। तो इसको सॉल्व करते हैं। बोलो, अमोनिया के साथ रिएक्शन हुआ तब सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? COO, ये एसिड है, ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन। ये प्रोटॉन छोड़ेगा, ये प्रोटॉन ले लेगा, ये बन गया आपका अमोनियम साल्ट ए। इस पर अगर आप हीट करोगे तो एक बार वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। एक बार वाटर मॉलिक्यूल निकला, केवल हीट करने पर एक बार वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये बनेगा CONH2 अमाइड। ये देखिए, एक बार वाटर मॉलिक्यूल निकल गया ONH2, तो ये बन गया अमाइड। अगर इसको क्या याद है, P2O5 के प्रेजेंस में और हीट कर दो, दो बार हीट किया, सिंपल हीट और P2O5 के प्रेजेंस में हीट, तो बेटा P2O5 के प्रेजेंस में हीट करोगे तो P2O5 स्ट्रॉन्ग वाटर एब्जॉर्बिंग एजेंट है, वाटर को खींच लेगा। ये खींच लिया वाटर को, ये गया यहां से, ये गया, देखो क्या दिखने लगा, C6H5CN दिखने लगा, और C6H5CN दिखने लगा, और डायरेक्ट बच्चों यहां ध्यान से सुनिएगा, यहां ध्यान से सुनिएगा, NH3 ये बना आपका A। फिर A पर अगर आप डायरेक्ट P2O5 डाल दोगे, डायरेक्ट P2O5 के साथ हीट कर दोगे, तो दो बार H2O निकल के फिर से सीधा ये बन जाएगा। इसको अगर आप P2O5 के साथ हीट कर दोगे तो आपका प्रोडक्ट सीधा ये बन जाएगा, और केवल हीट करोगे तो ये बनेगा। केवल हीट करने पर ये प्रोडक्ट बना, ध्यान से सुन लो, P2O5 के साथ हीट करने पर इसको ये प्रोडक्ट बना, इसको P2O5 के साथ गर्म करने पर ये प्रोडक्ट बना। और अब बताइए C पर SnCl2HCl का कौन सा रिएक्शन है? रिएक्शन का नाम बोलो। SnCl2HCl स्टीफन रिएजेंट, स्टीफन रिएक्शन हो गया बेटा, ये स्टीफन रिएक्शन है, और स्टीफन रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है CHO बेंजल डिहाइड। स्टीफन रिएक्शन CN पर CHO बनाता है, स्टीफन रिएक्शन CN पर CHO बनाता है, ये रिएक्शन हो गया। और बहुत अच्छे से आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ ये देखो B बन गया CONH2, इस पर अगर मान लीजिए Br2NaOH डाल दिया जाता तो क्या बनता? Br2NaOH के साथ हाफ मैन ब्रोमामाइड हो गई होती, एमाइड पर क्या बन गया? एनिलीन बन जाता ना, एनिलीन बन जाता, एनिलीन बन जाता, ठीक है ना। तो कैसे, बस सिंपल से रिएक्शन हम बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको भूल ना हो, और भूल के साथ साथ सिली मिस्टेक ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात चलती है, सिली मिस्टेक, ठीक है। सिली मिस्टेक सबसे बेकार चीज होती है। मैंने बहुत बच्चों को सिली मिस्टेक करते देखा है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत करते देखा है कि जिनकी आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन उनसे गलत हो जाएगा। संभव ही नहीं था, संभव ही नहीं था कि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वही गलत हुआ। तो आप पूरा एक बार अच्छे से पढ़ डालना, ठीक है, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा ऑर्गेनिक, पूरा रिवीजन मैंने कराई दिया है आपको। अब तो कॉन्फिडेंस जबरदस्त आ जाना चाहिए, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77, देखिए बेंजल डिहाइड, क्योंकि मैं फालतू बिल्कुल इसमें नहीं चाहता हूँ कि आपको ऐसी रिएक्शन पढ़ाऊं, मैकेनिज्म पढ़ाऊं, रिएजेंट हर कुछ पढ़ाऊं, मजा आए, नुकसान, सुपर नुकसान। हमको वी शुड स्ट्रिक्टली कंसंट्रेट ऑन एनसीईआरटी फॉर सिलेक्शन। और आपने फिर इतना पढ़ चुके हो ना कि आपको अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए तो आप विवेक बुद्धि से काम कर सकते हो और उसको भी सॉल्व कर सकते हो। पर सबसे पहली चीज ये याद रखिए, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद करिए, किसी के यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है लगा दूंगा मैं। राम कुशवाहा ढालते संध्या की टाकून देऊ, संध्या करी टाकून दे, आज जाऊ मैं आप।
नेक्स्ट है बेंजलडिहाइड पर एसीटैल्डिहाइड का रिएक्शन। यार क्या मजा आएगा देखो, बेंजलडिहाइड पर एसीटैल्डिहाइड का रिएक्शन है, बेंजलडिहाइड पर एसीटैल्डिहाइड CH3CHO का रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और साथ में आप फिक्स कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाइए। बताइए कौन सा रिएक्शन है ये, रिएक्शन का नाम सोचिए और ये इस पर आप AlCl4 ईथर का रिएक्शन और दूसरा रिएजेंट आपने वाटर ले लिया एंड फिर बी बना, बी पर आपने PBr2 का रिएक्शन किया सी बना। चलिए यहाँ तक आपका प्रोडक्ट बताइए भाई साहब, ये रिएक्शन बताइए पहले, आपको नीट में अभी पूछे ये रिसेंट है, ये बिल्कुल रिसेंट आई है ये। क्लेजन रिएक्शन बच्चों, क्लेजन रिएक्शन यार एल्डोल कंडेंसेशन ही है, बट क्लेजन ने देखा तो नाम क्लेजन रिएक्शन हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन ही है। इसको ऐसा लिख लो, ये देखो डायरेक्ट मामला, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, क्योंकि हीट भी दिया हुआ है, तो आपका सीधा बन गया C6H5CH डबल बॉन्ड CHO, ये बन गया, क्या बन गया बताओ, C6H5CH डबल बॉन्ड CHO, नाम बोलो। अरे बहुत इंपॉर्टेंट नाम, सिनेमिक एल्डिहाइड बच्चों, सिनेमिक एल्डिहाइड तैयार हो गया, सिनेमिक एल्डिहाइड ए आपका सिनेमिक एल्डिहाइड है, और सिनेमिक एसिड COOH में बदल जाए तो सिनेमिक एसिड है, और सिनेमिक एसिड कौन सी रिएक्शन में बनता है, परकिन रिएक्शन, याद है बेंजलडिहाइड पर एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में करता है तो सिनेमिक एसिड बनता है बस। तो आपको यहां पर याद रखना क्लेजन रिएक्शन NaOH के प्रेजेंस में हो गया, बिल्कुल एल्डोल कंडेंसेशन है, और आपका प्रोडक्ट ए बन गया LiLH4 से रिएक्शन कीजिए, LiLH4 ये ऐसा का ऐसा रखेगा, एल्कोहल बन जाएगा बच्चों, ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, सिनेमिक एल्कोहल हो गया। और अब P+Br2 का रिएक्शन कहाँ होगा बताइए जल्दी से, P+Br2 क्या करेगा यार, जल्दी बोलो, क्या डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, क्या यहाँ पर ब्रोमिनेशन करेगा, क्या करेगा P+, कोई कुछ नहीं करेगा, जल्दी बोलो, P+Br2 एल्कोहल दिमाग में लाओ, एल्कोहल पे P+Br2 PBr3 HBr P+Cl2 PCl3 ठीक है HCl, अरे यार SOCl2 PCl5, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही थैली में लिख दिया, P+Br2 हो PBr3 हो PCl5 हो PBr5 हो ठीक है, और P+I2 हो, लिख दिया कि नहीं मैंने, नहीं लिखा, P+I2 ले लो, PI3 ले लो बच्चों, एक ही थैली के चट्टे बट्टे अल्कोहल पर रिएक्शन करेंगे और बस यहाँ पर Br लगा देंगे OH की जगह, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं। तो आंसर जब आपके सामने आंसर होता है, मैं आंसर 4 बना के दूंगा तो आप क्या मालूम क्या लगेगा वो क्वेश्चन, कभी यहाँ Br लगा दिया तो कभी यहाँ दोनों जगह Br लगा दिया, कभी इसकी पैरा पोजीशन पर Br लगा दिया, कभी आर्थ और पैरा दोनों पर Br लगा दिया, कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे, आपको बहुत गुस्सा आने लगेगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है, तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो देख लो कि यहाँ डबल बॉन्ड है, बेंजीन रिंग है, और क्या बोलते हैं OH है, यार ब्रोमिनेशन बेंजीन पर यदि होता तो भाई साहब Br2 के साथ क्या देते, FeBr3 वगैरह देते, लुईस एसिड के बगैर ये रिएक्शन नहीं होता, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा पर और आर्थो पर प्रोडक्ट बन जाता, बट FeBr3 के प्रेजेंस में आर्थो प्लस पैरा यहां पर प्रोडक्ट बनता और पैरा पर बनता
ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता बीआर टू एफ बीआर थ्री में, ना कि बीआर टू पी में। बीआर टू पी में क्या रिएक्शन हुआ, ओएच को हटा के बीआर लग गया, ठीक है कि नहीं, आया समझ की नहीं। अच्छा बीआर टू देते पी के साथ दिया, अभी बीआर टू पी के साथ दिया, बीआर टू सीसीएल फोर दे देते तो क्या करता, बीआर टू सीसीएल फोर तो बच्चे बीआर बस डबल बॉन्ड, यहाँ पे बीआर और यहाँ पे बीआर लग जाता इसके प्रेजेंस में, बस यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं होता। बीआर टू इन द प्रेजेंस ऑफ सीसीएल फोर और बीआर टू इन द प्रेजेंस ऑफ पी, बीआर टू इन द प्रेजेंस ऑफ पी यहाँ रिएक्शन, बीआर टू सीसीएल फोर यहाँ रिएक्शन, एफी बीआर थ्री बीआर टू यहाँ आर्थो और पैरा, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, अच्छा खासा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा, डबल बॉन्ड को काफी ज्यादा स्टेबलाइज, ये कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज कर देगा। तो बच्चों क्लियर हुआ, ये डिफरेंस क्लियर हुआ कब बीआर टू पी यूज करते हैं। अच्छा अगर मान लो, चलिए एक और मजा आएगा, चलिए फाइनल एच बी आर डाल देता मैं एक्सेस में, ये अब बताओ एक्सेस में एच बी आर डाल दिया क्या होगा, रिएक्शन करके बताओ इसका प्रोडक्ट। तो ये सब लिख रहे हो ना, ये सब लिख रहा हूँ कि नहीं, ऐसे लिखते जाना, दिमाग में लिखने की मैं बात कर रहा हूँ, कॉपी में तो लिखते ही जाना। चलिए लिखे हैं, बताएं आंसर सर, एमके एडिशन। बस बच्चों एमके एडिशन आंसर, जल्दी बताइए, एक आंसर आपको ये दिया जा रहा है, एमके एडिशन, बीआर यहाँ पर, एच यहाँ पर और सी एच टू ओ एच, ये दिया जा रहा है, ये आंसर सही है या नहीं बताओ सर। ओएच भी आ जा रहा है, बिल्कुल, ये गलती मत करना, ये एच बीआर है, एच बीआर ये ओएच को भी खा जाता है, क्योंकि तो एच आयन देगा और पानी निकल जाएगा बच्चों, ये बीआर भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ भी बीआर है, यहाँ भी बीआर है, एच बीआर जैसे आप डालोगे एक्वस एच बीआर होता है, ठीक है, अगर एनहाइड्रस भी है तो भी काम कर जाएगा, लोन पेयर तो एच आयन को देगा ही देगा, बीआर निकल जाएगा, फिर एच टू निकल जाएगा, फिर बीआर का अटैक हो जाएगा बच्चों। तो एच बीआर यहाँ पर ओएच पर भी अटैक करता है, एल्कोहल में मैंने पूरा लिखाया है एच बीआर एच सी एल एच आई एक्वस में NaCl, हाँ अगर मान लो मैं इस पर NaBr दे देता, अब बताओ NaBr दे देता इस पर, अब कहाँ रिएक्शन होता, NaBr दे देता तो, जल्दी बताओ सर OH पे, पक्का क्या Br न्यूक्लियोफाइल OH को रिप्लेस कर देगा, क्या Br न्यूक्लियोफाइल OH को, Br न्यूक्लियोफाइल वीक है, OH बैड लिविंग ग्रुप है, OH गुड न्यूक्लियोफाइल है, अरे यार एल्किल हैलाइड पर एक्वस OH का रिएक्शन करो तो Br हट जाएगा, OH लग जाएगा, जब Br को OH हटा सकता है तो OH को Br कैसे हटा पाएगा, आदित्य समझ आ गया, तो ये रिएक्शन NaBr से नहीं होगा। फिर कैसे कर सकते हो, NaBr में H2SO4 डाल दो तो HBr बन जाएगा, याद करो बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में आया है NaBr प्लस H2SO4, ठीक है, तब वो बन जाएगा आपका काम। तो यहाँ पर NaBr से रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन NaBr H2SO4 डालोगे तो हो जाएगा, थोड़ा सा डायलूट H2SO4 HIN चाहिए अपने को थोड़ा सा, क्योंकि HIN जो है ना इसको हटा देगा और बीआर आयन का अटैक हो जाएगा, इसमें बीआर आयन ओएच को कभी भी नहीं हटा सकता, हाँ ओएच न्यूक्लियोफाइल बीआर को तो हटा सकता है, अपन ने वहां रिएक्शन पढ़ी है एक्वस के ओएच का रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यार एसएन वन में तो केवल पानी ही काम कर जाता है, ओएच की भी जरूरत नहीं है, एसएन टू में ओएच की जरूरत पड़ती है, तो ये बात बहुत अच्छी है, याद रखना आप सब लोग। तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया है पूरा कि नहीं मामला, यस सर। तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे रिएजेंट आपको वापस याद दिलाए, आपके कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे, सारे कंफ्यूजन दूर कर डालो बेटा, सारे कंफ्यूजन दूर कर डालो, हौसले रखो, हौसले जबरदस्त हौसला होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, ताकत
कभी कभी भी आपके अंदर मन में कमजोरी का भाव नहीं आना चाहिए, वीकनेस आनी नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि कैसे नहीं आएगी वीकनेस, हमेशा याद रखिए, बढ़िया से शावर में नहाइए और 5-7 मिनट भगवान के कमरे में, अल्लाह के कमरे में, जहां भी आप जाना चाहते हैं, यहाँ पे सब लोग अनास खान भी बैठा है और आदित्य तिवारी भी बैठा है, भगवान तो एक ही है, ठीक है। जाके 5-7 मिनट जरूर प्रार्थना करो, बिल्कुल आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, और फिर पढ़ाई करो, कॉन्फिडेंस रखो, बिल्कुल जबरदस्त, कभी आपकी गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। ऊपर वाले पे सदा भरोसा तो होना ही चाहिए अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 हो गया, 76 हो गया, 77 हो गया, 78 हो गया, 79 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, और बच्चों ये आपका COOH फैलिक एसिड दिया जा रहा है। फैलिक एसिड पर हीट ट्रीटमेंट किया, हीट ट्रीटमेंट के बाद NH3 का रिएक्शन किया, NH3 के रिएक्शन के बाद KOH का रिएक्शन किया, KOH के रिएक्शन के बहुत सारे रिएक्शन है इसमें। चलिए A बनाया, B बनाया, C बनाया, C पर इथाइल आयोडाइड का रिएक्शन किया, CH3 CH2I का रिएक्शन किया, D बना, D पर H आयन D2O का रिएक्शन किया, H आयन के साथ D2O है, तो यार ये आगे H2O का रिएक्शन किया। चलिए आप देखते जाओ, आपके पास भी है, और ई बना, ई पर CH3I का रिएक्शन किया, हॉफमैन एग्जास्टो मिथाइलेशन किया, एफ बना। चलिए ये तो सब रिएक्शन चेन है, अपन तो करते जाएंगे। चलिए बताइए हीट करने पे क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, सामने दिख रहा पानी हीट करने, बस ये वाटर गया और फैलिक एनहाइड्राइड बन गया, ये फैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, ये वाटर निकालिए, फैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, ये फैलिक एनहाइड्राइड। और जब भी लिखो तो इस तरह से लिखा करो डिटेल में, ऐसा ये बॉन्ड बना के, तो फैलिक एनहाइड्राइड बन गया। अमोनिया का रिएक्शन हुआ, अमोनिया ऐसे लिखा करो, ऐसा लिखा आपने अमोनिया, और ये देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ये हो सकता है एक साथ भी दे दें अमोनिया एंड हीट, अमोनिया एंड हीट एक साथ भी दे दें आपको, तो आप सीधा ये प्रोडक्ट बना डालो, सीओ। ये क्या नाम है इसका, थैलीमाइड, क्या नाम, थैलीमाइड, थैलीमाइड। अच्छा थैलीमाइड में फिर KOH का रिएक्शन हो रहा है, ये देखो थैलीमाइड का ये जो एच होता है ना, ये बहुत एसिडिक हो जाता है, क्यों हो जाता है, इधर भी CO ग्रुप लगा है, इधर भी CO इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस आई ग्रुप लगे, इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे बेटा, जब इलेक्ट्रॉन खिंच गया इस साइड और इस साइड, तो ये H निकल गया, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, C आपका बन गया। हमें C आप बना लो इसको जल्दी से, तो मैं C बनाता हूँ, आपको C समझ आ गया क्या बनेगा, C समझ आ गया क्या बनेगा, यस सर। तो मैं सी लिख रहा हूँ, आपने H2O निकाल डाला यहाँ से, और ये H2O निकाला तो यहाँ N रह गया, H तो पानी के साथ बह गया ये, और यहाँ निगेटिव चार्ज आया, K बन गया। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, कोई इस रिएक्शन को यहाँ से पहचान पा रहा है क्या, यहाँ से इस रिएक्शन को कोई पहचान पा रहा है क्या, गैब्रियल थैलेमाइड, बहुत शानदार, गैब्रियल थैलेमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है, ये बन गया आपका थैलीमाइड। पता है ये निगेटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन पर स्ट्रॉन्ग, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगता है, ये बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल। बच्चों के का कोई काम नहीं है, के तो केवल क्या कर रहा है, पेन का ढक्कन है, इसको ए लगा के रख देता हूं बस, जहां भी एक के वे होना है ना, के इनका कोई काम नहीं, भगाओ इनको फटाफट, न्यूक्लियोफाइल अटैक कराओ। ये देखो 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड पर अटैक होता है, तो ये देखिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड पर अटैक हुआ, और आप ये आपका आई निकल गया, के फालतू का था, के और आई में दोस्ती, फालतू फालतू की दोस्ती हो गई, के आई बाहर, और अब आपका डी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ, ये लिख लें जल्दी से, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, SN2 मैकेनिज्म है बच्चों, ये SN2 मैकेनिज्म, बैक साइड अटैक 1 डिग्री पर,
क्योंकि हिस्टोरिकली हिंडर्ड है और इधर बिल्कुल हिस्टोरिकली हिंडर्ड नहीं है। SN2 अटैक होता है गैब्रियल थैलेमाइड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आगे इसकी और बात समझाऊंगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया, ये रिएक्शन गैब्रियल थैलेमाइड से ये बन गया CH2CH3, ये आपका KI निकल गया, ये आपका D बन गया, ये आपका D मैंने बना दिया। बताइए समझ आ गया? और आगे क्या दिया है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या करेगा यार? यहां से देखो ना, ये हाइड्रोलिसिस भाइयों, एच आई एन ओ एच इधर, एच इधर ओ एच इधर, ये वापस क्या निकल गया? यही बन गया थैलिक एसिड, जहां से चले थे वही बन गया। और ये देखो क्या दिखाई दे रहा है एफ आपको, ये ई आपको दिखाई दे रहा है CH3CH2NH2, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर नाइट्रोजन पर तो हमेशा रहता है। बताइए प्रोडक्ट समझ आ गया? अब इसका हाफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करना है। नीट में आपको आया है हाफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, अरे मतलब क्या है? मैं तुम्हें पढ़ा पढ़ा के इतना एग्जॉस्ट कर दूं कि अब समझा रहे हैं, रिमूव हो गए। चलिए तो बस यहाँ पर CH3I पड़ा हुआ है, नहीं HI के साथ, चलिए CH3I के साथ होता है, पर इसमें तो HEM होना है, नहीं इसमें कैसे लिख दिया मैंने, एक मिनट देखता हूँ। हॉफमैन एग्जॉस्टो मिथाइलेशन चलिए कर देंगे, तो ये यहाँ से I और H ये निकल गया एक बार, फिर दूसरी बार ध्यान से देखना, दूसरी बार लिया तो फिर H और I निकल गया, एग्जॉस्ट करना है पढ़ा पढ़ा के। फिर ये प्रोडक्ट तो आपको दिखाई देने लगा CH3CH2N, यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है, अभी लोन पेयर फिर से हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, अभी भी दिख रहा है CH3I, तीन लेने, अब तीसरा ले रहा हूं मैं, ये देखिए CH3I, ये अटैक और ये निकल गया I, तो भाई साहब ये जो F बना वो ये बन गया CH3CH2N, ध्यान से समझना बच्चों, CH3 फिर CH3, और देखो ये लोन पेयर के अटैक से ये CH3 यहाँ जुड़ गया नाइट्रोजन पर, पॉजिटिव चार्ज आ गया, I निकल गया, ये I पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बैलेंस हो गया इस तरह से, ये हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का रिजल्ट अमोनियम आयोडाइड बन गया, 1 2 3 ट्राइमिथाइल इथाइल, ट्राइमिथाइल और ये इथाइल अमोनियम आयोडाइड बन गया। तो ये फटाफट बनाओ, उसके आगे एक रिएक्शन और समझाता हूँ, मजा आ जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आगे एफ के आगे और हीट कर देना, बस केवल हीट और AgOH डाल के हीट कर देना, AgOH के साथ हीट, AgOH डाल के हीट कर देना, तो अगला रिएक्शन मैं समझाऊंगा, फटाफट लिखो, ये समझ गया, इसे डरना नहीं, HEM का मतलब हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, तब तक मिथाइलेशन जब तक कि वो मर ना जाए, एग्जॉस्ट ना हो जाए, पहली बार HI निकला, दूसरी बार HI निकला, अभी भी लोन पेयर दिख रहा है CH3I को, फिर अटैक हुआ, फिर निकल गया, ये बन गया, तीन बार CH3I का रिएक्शन होता है, तीन बार CH3I का रिएक्शन होता है, इसे हम बोलते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। और मैंने आगे फिर दे दिया आपको AgOH का रिएक्शन हीट कर, तो अब हम इसको और देख लेते हैं, फिर तो ध्यान से समझिएगा, ये जो बना इस पर AgOH से जब आप रिएक्शन करोगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, इस तरफ चला देता हूं, AgOH का रिएक्शन और हीट कर रहे हैं बच्चों, Ag और I, यहां देखिए I और Ag, ये AgI का प्रेसिपिटेट बाहर निकल जाता है, AgI का प्रेसिपिटेट बाहर निकल जाता है और इसकी जगह OH आ जाता है I की जगह, तो ये आपका बन गया, इसको पहचानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने पढ़ चुके हैं, ये देखिए CH3 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 और N पर पॉजिटिव चार्ज, ये तो एज इट इज, रहा AgI का, AgOH डालने से AgI का प्रेसिपिटेट बाहर आ गया, और प्रेसिपिटेट का मतलब ये सॉलिड है, कोई काम का नहीं रहा, ये कोई काम का नहीं रहा, और आगे यहाँ इससे OH जुड़ा हुआ है, ये OH, और आप क्या कर रहे हो, देखो हीट कर रहे हो, मैंने हीट भी लिखा है, तो क्या होगा, ये हॉफमैन एलिमिनेशन हो जाएगा,
एलिमिनेशन बीटा, ये देखिए इसमें बीटा कार्बन नहीं है, इसमें बीटा कार्बन नहीं, इसमें बीटा कार्बन नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, ये अल्फा अल्फा अल्फा, ये बीटा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन पर जो एच है ये खींच लेता है, ये खींच दिया बीटा कार्बन का ओएच, क्या निकल गया एच टू ओ निकल गया, ये जो बॉन्ड रह गया ये इधर शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड बनेगा, जैसे ही ये इधर शिफ्ट होगा यहाँ का ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन पर चला जाएगा, नाइट्रोजन खुश हो जाएगा, उसका लोन पेयर जो दिया था उसने इधर ये वापस आ जाएगा, ये देखिए ये आ गया वापस, ट्राई मिथाइल अमोनिया निकल गई यहां से, ये निकल गया यहां से, पानी निकल गया, एलिमिनेशन है ये एलिमिनेशन, और ये बन गया सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, ये आपका फाइनल एल्कीन बन गया, दिस इज कॉल्ड हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन, बीटा एच खींचा, यहां जितने भी बीटा एच होंगे इसमें अगर होते तो इससे भी खींच लेता, इसमें है तो इससे भी, पर लेस हिस्टोरिकली हिंडर्ड बीटा एच खींचेगा, यहाँ तो मैंने केवल एक ही दिया है आपको, लेस हिस्टोरिकली हिंडर्ड बीटा एच, तो यहाँ पर तो है ही नहीं बीटा एच किसी पे, ये है केवल, तो ये निकल गया और आपका एल्कीन बन गया, बोलो समझ आया, बोलो समझ आया, तो डरना बिल्कुल नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, बढ़िया, माइंड को फ्रेश रखना है, माइंड को फ्रेश रखने के लिए मैंने कितने सारे आपको तरीके बतलाए हैं, ठीक है, और एक बढ़िया तरीका और बतलाता हूँ, मालूम क्या करिए, इतना बड़ा सबके घर में एलोवेरा रहता है पौधा, एलोवेरा का इतना बड़ा पत्ता तोड़िए और उसको फ्रिज में रख दीजिए, ठीक है, इतना भाग उसका निकालिए इतना, और उसके ऊपर की वो निकालिए स्किन एक साइड की और एक साइड वाली, और बस मम्मा को दे दीजिए, माता जी को दीजिए, यहां से लगा के यहां तक रीढ़ का पूरा, ऐसा देखो क्या मजा आता है, देखो ये आपका सिर हो गया, ये गर्दन हो गई और ये रीढ़ हो गई, यहां से उसको इस टुकड़े को फेरिए, है ना माँ, ऐसा यहां से, यहां से पूरा ऐसा लेके बार रिवीजन करा दो बहुत बार, ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी पर बैकबोन पर रिवीजन करो बार बार, कितना 5-6-3 मिनट दोगे यार, जबरदस्त एनर्जी आ जाएगी, करके देखना एक बार, जबरदस्त एनर्जी ना आ जाए तो मुझसे कहना, ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे गर्दन पे ऐसा ऐसा बिल्कुल ऐसा इतना बड़ा लेना टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा ऐसा, ठीक है, और बस गर्दन पे ऐसे 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 रिवीजन कराना उसका, और पूरा रीढ़ की हड्डी पर देखो ना एनर्जी आ जाए वापस तो कहना, बहुत जबरदस्त एनर्जी आती है यार, बहुत जबरदस्त, और फिर जो आपका कमर है ना, कमर पे थोड़ा ऐसा 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 वाला भी और ऐसा ऐसा, तो मदर से बिल्कुल, मेरी मम्मा जो है ना अभी भी जब मैं कभी थक जाता हूँ वो तो अम्मा क्या करती है ऐसे ही कर देती है, तो मैं अब बहुत खुश हो जाता हूँ, चलिए नेक्स्ट है, अब बच्चों देखो यहाँ पे आपने, अब वापस मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ये अभी अपन हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहे हैं, देखो ध्यान से, ये आपका एनके बना था गैब्रियल थैलीमाइड में, ये गैब्रियल थैलीमाइड का न्यूक्लियोफाइल बन गया और आपने इस पे रिएक्शन कराई थी CH3I की, CH3CH2I, ये सबकी रिएक्शन हो सकती है, 1 डिग्री है ये, 1 डिग्री है ये, 1 डिग्री है, अब ये मिथाइल है, 1 डिग्री किया मैंने, ठीक है, मिथाइल कर दो, बहुत सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, बस इन्हीं पर रिएक्शन होगा, अगर 2 डिग्री ले लिया होता, अगर आपने ये ले लिया होता, ध्यान से सुनना भी, ये ले लिया होता तो रिएक्शन नहीं होती, ये टर्शियरी ले लिया होता तो बिल्कुल नहीं होती, तो होता ही नहीं है आई, अगर आपने C6H5I ले लिया होता तो इस पर भी रिएक्शन नहीं होती, अब बताओ लोन आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, केवल ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, इस पर इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ये आई निकल जाएगा, इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस कार्बन पर होगा, ये आई निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि ये रिएक्शन आपको मैंने बताई SN2 टाइप है और SN2 में होता है बैक साइड अटैक, और बैक साइड अटैक रिक्वायर्स लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ओनली 1 डिग्री R मिथाइल, तो ये रिएक्शन 2 पर होगी,
बच्चों यहां पर अगर आपने सोचा है न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन हो, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आई निकल नहीं सकता, लोन पेयर से रेजोनेटेड है ये, नहीं यहाँ पर आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एमीन नहीं बनेगा इससे, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इसका इस पर अटैक नहीं होगा, इसका तो और ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, और ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसका इस पर अटैक होगा ही नहीं, ये तीनों पर रिएक्शन नहीं होता, आप इससे एनिलीन नहीं बना सकते, आप इससे सेकेंडरी अमीन नहीं बना सकते, आप इससे टर्शियरी अमीन नहीं बना सकते, केवल बनेगा वन डिग्री अमीन, क्योंकि रिएक्शन टाइप इज SN2, याद हो गया? बोलो जल्दी। तो ये क्वेश्चन आपको आया है, ये क्वेश्चन आपको आया कि गैब्रियल थैलीमाइड से क्या नहीं बनाया जा सकता, मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, प्रोपाइल अमीन और एनिलीन, तो बेटा एनिलीन नहीं बनाया जा सकता, समझ आ गया क्यों नहीं बनाया जा सकता, ये स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस और इसका आई लोन पेयर रेजोनेटेड, बस तो ये ध्यान रखना है सबको, तो इसलिए मैंने इसको क्लीन नहीं किया था, काफी इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से वन डिग्री एमीन ही बनता है, बट बिल्कुल स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा तब, तो बताओ ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए आपको कि नहीं हुए? यस सर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 80 क्वेश्चन नंबर C6H5CONd2। NH2 की जगह Nd2 दे दिया है आपको, ठीक है, और Br2 NaOH का रिएक्शन है, बनाया ए, C6H5COCl का रिएक्शन है, बनाया बी, HNO3 का रिएक्शन है, बनाया सी, SiNH2O का रिएक्शन है, बनाया डी, ये आपका बड़ा प्यारा रिएक्शन है, सबको याद होना चाहिए। क्या आप बच्चों जैसा, ये हाफमैन ब्रोमामाइड है, हाफमैन ब्रोमामाइड का रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया, क्या आप ये सही बना है, जल्दी बताइए, बस इतना बता दीजिए। बोले सर आपने तो हमेशा बताया ना ये ऐसा, यहाँ ये गोला मार दो CO पर, ये आंसर नहीं, NH2 में, क्योंकि ये दोनों H निकल जाते हैं, मैकेनिज्म जरा जरा सा देख लेना, मैकेनिज्म जरा सा देख लेना, ये H भी निकल जाता है, ये H भी, दोनों H निकल जाते हैं, और फाइनली जब प्रोडक्ट बनता है तो NH2 ही बनता है, ये कभी मत भूलना, नहीं तो बोले बस गोला मारा और बच्चा बोले सर ने तो वो बच्चों जैसा पहले पढ़ाया, फिर मैकेनिज्म भी समझाया, फिर क्वेश्चन भी दिया, ठीक है, तो ये आपका बन गया NH2। फिर C6H5COCl पर ये रिएक्शन हो गए हाफमैन ब्रोमामाइड। ये रिएक्शन कौन सी है, जल्दी बताइए मुझे, नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों, ये रिएक्शन का नाम बताओ मेरे को, आप लास्ट ईयर 2018 में या 19 में या 20 में ही आइए, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, बहुत शानदार शॉर्टन बॉमन रिएक्शन है ये, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप, ये Cl गया यहाँ से, ये H गया यहाँ से, और ये बन गया C6H5NH, लोन पेयर तो है ही यहाँ पर, NHCOCH3 या C6H5 ले लीजिए, बेंजोइलेशन है ये, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, ये बेंजोइलेशन है, बेंजोइलेशन और एनिलीन का हो गया, इसका काम क्या, इसका काम है प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप, कैसे प्रोटेक्शन करेगा, यार लोड पेयर यहाँ बार बार खूब स्टिमुलेट कर रहा है, आर्थो पैरा पोजिशन को स्टिमुलेट कर रहा है, हमने क्या किया, तू बार बार इतना ज्यादा स्टिमुलेट कर रहा, अच्छी बात नहीं है, क्या किया, ये लगा दिया तो ये इधर भी जा रहा है और ये इधर भी जाने लगा, 50-50 हो गया, 50 इधर 50 इधर, इसका एक्टिवेशन पावर आधा कर दिया, ठीक है, अब बताओ HNO3 से रिएक्शन होगी तो इसका आर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा, बस हाइड्रोलिसिस होने के बाद, क्योंकि हाइड्रोलिसिस यहां से हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको आर्थो पर और पैरा पर दो प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, आर्थो नाइट्रो प्लस
पैरा नाइट्रो ये ग्रुप बनेगा पहले, इसका आप हाइड्रोलिसिस कर देना NH2। ये आपको पूरा नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा ये भी आया है और इधर से इतना भी आया है। ये तो है इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपका, ये क्या बोलते हैं, ये अच्छी क्वेश्चन की एक आपकी चेन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। और आगे बढ़ते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन और मैंने दिए हैं, ये इस रिएक्शन पर बड़े प्यारे हैं, इनको भी आप देख लो। सर 78 वाला बच गया, 78 बच गया है अभी, चलिए अब भी देखते हैं उसको भी निपटाते हैं। इसको ये है बहुत इंपॉर्टेंट C6H5, इधर भी दो रिंग ले ली, मैं दो रिंग पर एक साथ समझा रहा हूं, ठीक है। और आपका ये नेफ्थलीन रिंग है दोनों, इधर आपका CO जुड़ा हुआ है, इधर आपका NH जुड़ा हुआ है, ये लोन पेयर बना दो एक, और आप समझ गया होंगे जहां लोन पेयर हुआ तो आपको पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग, और ये इलेक्ट्रॉन इधर उल्टा खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा, ये इधर खींच रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो ये रिंग एक्टिवेट हो रही है और ये रिंग डीएक्टिवेट हो रही है CO ग्रुप से। अब हमेशा याद रखना, एक्टिवेटिंग जो होता है उसकी कोई भी बात मानता है, डीएक्टिवेट करने की कोई बात नहीं मानता। अगर मान लो मैंने इस पर क्या डाल दिया होता, Br2 FeBr3 डाल दिया होता मैंने बच्चों, ठीक है, मतलब ब्रोमिनेशन मैं कर रहा होता, मोनो ब्रोमिनेशन मोनो नाइट्रेशन दोनों मोनो, तो बताइए कहां पर प्रोडक्ट बनता, मेजर प्रोडक्ट कहां पे बनता, ये एक्टिवेटिंग है, यहां पर अटैक करेगा और यहां पैरा पर अटैक करेगा, ये दोनों प्रोडक्ट बनते, क्या मेटा वाला नहीं बनता, ये यहां इसके मेटा पर अटैक करता है, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है और डीएक्टिवेटिंग है, मेटा है और डीएक्टिवेटिंग है, तो रिएक्शन तो यहां भी होगी, पर ये 2% बनेगा, ये आपका पैरा वाला करीब करीब 50-60% बन जाएगा, 50-60%, और ये कम बन जाएगा, 48% बन जाएगा, तो मेजर प्रोडक्ट यहां बनेगा, ये मेन प्रोडक्ट है, ये बहुत कम बनेगा पर बहुत कम, तो कभी आपको आंसर आ जाए क्या बनेंगे, तो इसका मेटा प्रोडक्ट बनेगा, इसका आर्थो पैरा बनेगा, बट ये एक्टिवेटिंग है तो मेजर ये देंगे, मेजर देखो 2% और ये 50-48%, ऐसी बात आपको समझ आ गई कि नहीं, तो मेजर प्रोडक्ट अगर पूछा जाए तो आपका यहां और यहां बनेगा, और सब पूछा जाए तो एक मेटा यहां भी बनेगा, थोड़ा बहुत बात क्लियर हो गई सबको कि नहीं, बताओ जल्दी, क्यों बच्चों क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। चलिए हटा दूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, नीट में आया है इस तरह का, मैंने दोनों परीक्षा समझा दिया है, बहुत सिंपल है, और चाहे वो मोनोनाइट्रेशन पूछे मोनोब्रोमिनेशन पूछे, दोनों का प्रोडक्ट सेम, ये IIT में आया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा अगर आपको दिया जा रहा है, ये देखो तीन तीन रिंग दे दी बेंजीन की, एक नहीं तीन रिंग दे दी, दो रिंग में तो आपको दिक्कत नहीं आती, लेकिन तीन दे दी तो, और इस पर मोनोब्रोमिनेशन पूछा जा रहा है, मोनोब्रोमिनेशन बताइए, यहां ये भी एक्टिवेटिंग है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये भी एक्टिवेटिंग है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये इसके लिए सब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट इससे ये रिंग लगी है और ये रिंग लगी है, इधर से भी पैसा आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, ये रिंग दोनों से एक्टिवेट हो रही है, मिडिल रिंग एक्टिवेटेड बाई बोथ रिंग, तो ज्यादा मोस्ट एक्टिवेटेड रिंग है, ये मोस्ट एक्टिवेटेड रिंग है, ठीक है, ये केवल इसको एक्टिवेट कर रही है, ये इसको एक्टिवेट कर रही है, पर इसको ये दोनों एक्टिवेट कर रहे हैं इसको, तो ये सबसे मोस्ट एक्टिवेटेड है, और अटैक यहां पर हो जाएगा, पैरा पर तो ब्लॉक्ड है, पैरा पर ब्लॉक्ड है, ये पोजीशन सेम है, ये पोजीशन सेम है, चारों पोजीशन सेम है, कहीं भी आप BR लगा दीजिए, ये मेजर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, देखिए जल्दी से समझ आ गया पूरा बच्चों, समझ आ गया, एक क्वेश्चन नंबर 78 रह गया, उसको और देख लो,
कर दूं क्लीन इसको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 78 है, CH3COOH5 के दो मॉलिक्यूल लिए आपने, CH3OH2H5, इसके दो मॉलिक्यूल आप ले रहे हैं। आया है आपको, लेकिन अब आपके सिलेबस में है नहीं ये, पर बहुत सिंपल रिएक्शन है, बेस डाल दिया आपने यार। यहाँ पे C2H5ONA डालो चाहे NaOH डालो, NaOH डाल दीजिए और हीट करिए। बस बच्चों ध्यान से देखना, अल्फा एच है, ये बेस पड़ा है C2H5O नेगेटिव आयन, ये अल्फा एच को खींच लेगा, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, ये इस पर अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। माने कुल मिला के क्या रिएक्शन हुआ, ये एच इसने खींचा, न्यूक्लियोफाइल बना, इस पर अटैक किया, ये निकल जाएगा। ये मैंने सिंपल मैकेनिज्म समझाई, मैकेनिज्म थोड़ी और है, बट इसमें आपका काम हो जाएगा। और काम ये हो गया, काम ही डल गया यार, बस ये काम डल गया। मैंने यहां से एच निकला, यहां से OC2H5 और ये आपका प्रोडक्ट बन गया CH3CO CH2CO OC2H5। आपको नीट में पूछा गया है, इसका नाम है कॉमन नेम इथाइल, ये इथाइल हो गया, ये एसीटो हो गया, ये और ये बचा हुआ एसीटेट हो गया, तो इसका नाम हो गया इथाइल, जो मैंने ऐसा बनाया है एसीटो, जो मैंने ऐसा बनाया है कुछ ये है, और बचा हुआ ये एसीटेट हो गया इथाइल एसीटो एसीटेट। ये जनरल, ये इसका अपना कॉमन नेम है, इनका जनरल नेम एसीटो एसिटिक एस्टर, एसीटो एसिटिक एस्टर कहलाते हैं। देखिए एस्टर ही तो बना COOC2H5, पर एसीटो ग्रुप लगा है तो, और इसका इतना ये एसिटिक एसिड है तो कॉमन से नेम एसीटो एसिटिक एस्टर कहलाते हैं। और IUPAC तो आप लिख ही लोगे, 1 2 3 4, 3 पर ऑक्सो, 3 ऑक्सो ये हो गया, और यहाँ पर इथाइल है, इथाइल 3 ऑक्सो लिखना था मुझे, इथाइल पहले लिख दें, ये आपका इथाइल है, ये इथाइल है, इथाइल, और इथाइल से कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा, बाकी तो पूरा ये है, तो इथाइल ब्यूटेनोएट 1 2 3 4 ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट इथाइल ब्यूटेनोएट, और ब्यूटेनोएट पार्क में कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 3 पर ऑक्सो है, 3 ऑक्सो, तो ये नाम हो गया इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनोएट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिएक्शन इज कॉल्ड क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन, और आपको मैंने इसका याद दिला दूं कि यहां पर आपको एक बात याद रखना है, ये एच देख रहे हो, ये एच और ये सीओ, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इस पर आ गया, ये इनॉल बन जाएगा, और इसका इनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ये एच जो इधर आया यहाँ से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाएगा, इसका इनॉल कंटेंट काफी ज्यादा बन जाता है, इसलिए पूछा जाता है इनॉल कंटेंट इसका करीब 7-8% इनॉल कंटेंट इसमें आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण इनॉल कंटेंट काफी उसका परसेंटेज बढ़ जाता है, इसलिए ये आपको वहां पे कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म में भी मैंने समझाया है। तो बच्चों ये बताओ अब मुझे कि आपका ये पूरा समझ आ गया आज का कि नहीं आया, अब बताओ, पूरा कंप्लीट रिविजन हो गया आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, विथ मैकेनिज्म, विथ रिएजेंट एंड देयर फंक्शन, एक एक चीज समझा दी यार मैंने, ये पांच घंटे आपके अमूल्य हैं जो मैंने आपको दिए हैं और आपने मुझे दिए हैं बच्चों, ठीक है। तो आप ऑर्गेनिक कब अच्छे से पूरी तैयार कर लीजिए, आपका टारगेट 2 दिन ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक पढ़ना है, कहीं से बिल्कुल कमी नहीं रहनी चाहिए, पूरा फोड़ दीजिए, एक एक वर्ड ऑर्गेनिक तैयार कर डालिए। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सर।